अल्केन्स को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स, यानी अल्केन्स के लिए हम किस तरह से इजीली स्ट्रक्चर फॉर्मूला को ड्रॉ कर सकते हैं, और साथ ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर अल्केन्स, अल्केन्स क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आर अल्केन्स सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, कि क्या अल्केन्स सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है, चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं, व्हाट आर अल्कीन्स, अल्कीन्स क्या है। स्टूडेंट्स याद रखें कि अल्कीन्स हमारे पास ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स के दरमियान एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड का मौजूद होना जरूरी है। सो क्या कार्बन एटम के दरमियान एक से ज्यादा अगर डबल बॉन्ड होगा तो क्या वो अल्कीन्स कहलाएंगे? जी हाँ बिल्कुल, अगर कार्बन एटम्स के दरमियान एक से ज्यादा डबल बॉन्ड भी होगा तो तब भी वो अल्कीन ही कहलाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर अल्कीन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, कि क्या अल्कीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। So, याद रखिए कि हाइड्रोकार्बन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट मौजूद होता है। अब सवाल ये है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, और क्या अल्कीन सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। याद रखिए कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें मौजूद तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होगा। सो इस टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स के दरमियान एटलीस्ट डबल बॉन्ड या फिर एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड का मौजूद होना जरूरी है। सो इस टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या अल्कीन हमारे पास सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अल्कीन में एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का मौजूद होना जरूरी है, सो ये रिप्रेजेंट करता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को, यानी अल्कीन्स हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, दैट व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन, अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है। याद रखिए कि अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CaH2n। यहां पर n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। सो जैसे ही इस जनरल फॉर्मूला में हम n के नंबर को पुट करेंगे, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को पुट करेंगे, सो इस जनरल फॉर्मूला के जरिए हम इजिली नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को फाइंड आउट कर सकेंगे कि कार्बन एटम्स के साथ कितने हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर अटैच होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास n का नंबर 3 है, यानी 3 कार्बन एटम्स की चेन है। सो यहां पर हाइड्रोजन कितने अटैच होंगे इसे हम इस जनरल फॉर्मूला के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए n की वैल्यू को इस जनरल फॉर्मूला में पुट करके नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को मालूम करते हैं। सो इस जनरल फॉर्मूला में सी एन की जगह हम 3 को पुट करेंगे, अगेन हाइड्रोजन 2n, तो 2 इंटू एन की जगह हम 3 को पुट कर देंगे। सो ये इक्वल हो जाएगा C3H2 3 6, यानी 3 कार्बन एटम्स की चेन में हमारे पास 6 हाइड्रोजन अटैच होंगे। सो हमने इजिली जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन के जरिए फाइंड आउट कर लिया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर हमारे पास 3 होंगे तो इस केस में 6 हाइड्रोजन यहां पर अटैच होंगे। सो चलिए बढ़ते हैं कि किस तरह से हम इजिली ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ अल्कीन को। चलिए ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला को 1 ब्यूटीन के लिए, 2 पेंटीन के लिए एंड 3 हेक्सीन के लिए। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे 1 ब्यूटीन के लिए स्ट्रक्चर फॉर्मूला को। स्ट्रक्चर फॉर्मूला को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे 1 ब्यूटीन में ब्यूट, ब्यूट क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि ब्यूट प्रीफिक्स है जो कि रिप्रेजेंट करता है 4 कार्बन एटम्स की चेन को। सो फर्स्ट स्टेप में हम 4 कार्बन एटम्स की चेन को ड्रॉ करेंगे,
1, 2, 3 एंड 4 फोर कार्बन एटम्स की चेन को हमने ड्रॉ कर लिया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास सफिक्स यहाँ पर मौजूद है ENEE, जो कि रिप्रेजेंट करता है अल्कीन्स को, यानी हमारे पास एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होगा जो कि अल्कीन को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें किस तरह से मालूम होगा कि हमारे पास डबल बॉन्ड क्या यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है, या फिर इन कार्बन एटम्स के दरमियान मौजूद है? इसे हम फाइंड आउट करेंगे हमारे पास जो नंबर रिटर्न होगा यहाँ पर इसके जरिए। ये नंबर जो कि आपके पास नेम से पहले रिटर्न है वो है 1, यानी कार्बन नंबर 1 पर हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद होगा। सो काउंट करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को और इनको नंबरिंग देते हैं, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन। सो नंबर 1 पर हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होगा, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन मेंशन है, हमारे पास 1 जो है पोजीशन है किसकी, डबल बॉन्ड यानी ईन की। सो फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के दरमियान हमारे पास डबल बॉन्ड आ गया, इसके बाद तमाम हमारे पास सिंगल बॉन्ड होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ अल्कीन को ड्रॉ करने के लिए, कि याद रखें कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। क्या कार्बन हमारे पास हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिए कि कार्बन जिसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और हमेशा ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ये कार्बन एटम डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं या फिर सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। सो यहाँ पर अब हमने हाइड्रोजन को अटैच करना है नेक्स्ट स्टेप में। सो चलिए हाइड्रोजन को अटैच करते हैं। यहां पर आप देखें फर्स्ट कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, टोटल हमने कहा कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो यहां पर कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। सो यहां पर हमारे पास H2 आएगा। सेकेंड कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1, 2, 3, यानी यहां पर 1 हाइड्रोजन अटैच होगा ताकि टोटल हमारे पास 4 बॉन्ड कार्बन कंप्लीट कर ले। नेक्स्ट कार्बन अब कितने हाइड्रोजन यहां पर अटैच करेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड को काउंट करते हैं, 1, 2, यानी 2 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन यहां पर अटैच होंगे, टोटल 4 बॉन्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है और टोटल 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, सो 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे और यहां पर ये 4 बॉन्ड बनेगा कार्बन कार्बन के दरमियान। सो इस तरह से कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना लेगा। याद रखिए कि हाइड्रोजन किस तरह से अटैच करेंगे, आपने नंबर ऑफ बॉन्ड्स को काउंट करना है। अगर कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, इट्स मीन कि आपने उसके साथ 2 हाइड्रोजन को अटैच करके टोटल 4 कर देने हैं। अगर कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है तो 3 हाइड्रोजन को अटैच करना है ताकि टोटल 4 बॉन्ड बन जाए। सो इस तरह से आपने देखा कि कार्बन के साथ हमने हाइड्रोजन को इजिली अटैच कर दिया और आपने ड्रा किया स्ट्रक्चर फॉर्मूला 1-ब्यूटीन के लिए। अगेन रिपीट करती हूँ, सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर ब्यूट को जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 4 कार्बन एटम की चेन को, हमने ड्रॉ कर लिया 4 कार्बन एटम की चेन को, उसको नंबरिंग दे दी 1, 2, 3 एंड 4 कार्बन। इसके बाद हमने ENEE रिप्रेजेंट करता है हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को। पोजिशन किस तरह से हमें मालूम हुई, यहाँ पर आपने देखा कि ब्यूटीन से पहले पोजीशन मेंशन है, यानी पोजीशन 1 पर हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होगा। सो यहाँ पर हमने पोजीशन 1 पर कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड को ड्रॉ कर दिया। इसके बाद हमने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को अटैच कर लिया। किस तरह से अटैच किया, देखा कि कार्बन ने कितने ऑलरेडी बॉन्ड बनाए हैं, जितने बॉन्ड कम थे उतने हाइड्रोजन हमने यहाँ पर अटैच कर दिए। सो यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इसे CH2 डबल बॉन्ड CH3, इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, और
हम कुछ इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कार्बन है, डबल बॉन्ड, फिर कार्बन है, सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन है, और इसके बाद फिर कार्बन मौजूद है। फोर कार्बन्स हैं पोजीशन वन पर, हमारे पास डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन अटैच करते हैं, वन एन टू हाइड्रोजन, सो यहां पर हमने हाइड्रोजन अटैच कर दिया। सेकेंड थ्री बॉन्ड बनाए हैं, एक हाइड्रोजन अटैच करना है, यहां पर हमने वन हाइड्रोजन को अटैच कर दिया। नेक्स्ट टू बॉन्ड बनाए हैं, कितने करने हैं, टू हाइड्रोजन अटैच करने हैं ताकि फोर कंप्लीट हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट पे वन बॉन्ड बनाया है, यानी थ्री हाइड्रोजन हमने यहाँ पर अटैच करने हैं। तो इस तरह से कार्बन फोर बॉन्ड बना लेगा। सो स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ अल्कीन को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इस तरह से भी, और कुछ इस तरह से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वन ब्यूटीन को। नेक्स्ट हम ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर टू पेंटीन। टू पेंटीन के लिए स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहां पर कितने मौजूद हैं। सो पेंट रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास फाइव कार्बन एटम्स को। सो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे फाइव कार्बन एटम्स की चेन को। सो चलिए ड्रॉ करते हैं, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। फाइव कार्बन एटम्स की चेन को हमने ड्रॉ कर लिया, इसको हम नंबर दे देते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, तमाम कार्बन एटम्स को हमने नंबर दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ईएनईन रिप्रेजेंट करता है अल्कीन को, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहां पर मौजूद है। किस पोजीशन पर मौजूद है, ये हमें पोजीशन बताता है, जो भी नंबर मौजूद होता है यहाँ पर, ये हमें पोजीशन बताता है डबल बॉन्ड की। सो पोजीशन टू पर हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है। सो चलिए देखते हैं पोजीशन टू हमारे पास कहाँ है। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, यानी कार्बन नंबर टू और थ्री के दरमियान हमारे पास यहाँ पर मौजूद होगा डबल बॉन्ड। इसके अलावा तमाम कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हमने यहां पर हाइड्रोजन को अटैच करना है। अगेन रिपीट कर रही हूं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को अटैच करने के लिए हम कार्बन के बॉन्ड्स को काउंट करते हैं। सो यहां पर हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बॉन्ड को काउंट करेंगे और इस तरह से हाइड्रोजन को हम यहां अटैच करेंगे। सो यहां पर फर्स्ट कार्बन ने वन बॉन्ड बनाया है, सो थ्री हाइड्रोजन यहां पर अटैच होंगे ताकि टोटल हमारे पास कार्बन के फोर बॉन्ड बन जाए। नेक्स्ट कार्बन यहां पर जिसने टू एंड थ्री थ्री बॉन्ड्स बनाए हैं, कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, वन हाइड्रोजन यहां पर अटैच होगा। ठीक है, हाइड्रोजन को इस साइड पर भी लिख सकते हैं और इस साइड पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट कार्बन में मैंने इस साइड पर लिखा, दैट्स व्हाई सेकंड कार्बन में भी मैं इसी साइड पर हाइड्रोजन को लिख देती हूँ। सो वन हाइड्रोजन हो गया और ये कार्बन कार्बन ने वन टू एंड थ्री बॉन्ड बनाए हैं, टोटल फोर बॉन्ड बना लिए। नेक्स्ट कार्बन ने वन टू एंड थ्री बॉन्ड बनाए हैं, मीन्स यहां पर कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, वन हाइड्रोजन अटैच होगा ताकि टोटल फोर बॉन्ड बन जाए। इसके बाद नेक्स्ट कार्बन में वन एंड टू बॉन्ड बनाए हैं, यानी यहां पर टू मोर हाइड्रोजन अटैच होंगे ताकि टोटल फोर बॉन्ड बन जाए। एंड लास्ट वन कार्बन ने सिर्फ वन बॉन्ड बनाया है, यही वजह है कि यहां पर थ्री हाइड्रोजन अटैच होंगे ताकि टोटल फोर बॉन्ड बन जाए। सो इस तरह से हमने स्ट्रक्चर फॉर्मूला को ड्रॉ किया टू पेंटीन के लिए। नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर थ्री हेक्सीन। सो सबसे पहले हेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है सिक्स कार्बन एटम्स को। सो सिक्स कार्बन एटम की चेन को हम ड्रॉ करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, कार्बन एटम की चेन को ड्रॉ कर लिया। अब नंबर दे सकते हैं, कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर टू, कार्बन नंबर थ्री, कार्बन नंबर फोर, कार्बन नंबर फाइव एंड कार्बन नंबर सिक्स। इसके बाद ई एन ई इन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को। पोजीशन किस तरह से पता चलेगी, यहां पर मौजूद नंबर के जरिए। सो नंबर थ्री रिप्रेजेंट कर रहा है कि कार्बन नंबर थ्री और फोर के दरमियान
हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद है। सो यहाँ पर कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 यानी 3 और 4 के दरमियान यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद होगा। अब याद रखिए कि नंबरिंग हम इस साइड से भी कर सकते हैं और ऑपोजिट साइड से भी हम नंबरिंग कर सकते हैं। इस साइड से नंबर करेंगे तो 1, 2 एंड 3, 3 और 4 के दरमियान यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड आएगा। इस साइड से अगर करेंगे तो 1, 2 एंड 3, तो 3 और 4 तब भी यही आएगा हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सो हमें मालूम हो गया कि 3 और 4 कार्बन के दरमियान हमने डबल बॉन्ड को ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट हमने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को अटैच करना है। सो यहाँ पर सबसे पहले तो सिंगल बॉन्ड को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर तमाम जो रिमेनिंग कार्बन है वहां पर सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा। सो यहाँ पर 1 कार्बन ने बॉन्ड बनाया है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। नेक्स्ट कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। इसके बाद कार्बन ने 1, 2 एंड 3 बॉन्ड बनाए हैं, कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे? 3 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा। नेक्स्ट कार्बन ने 1, 2 एंड 3 बॉन्ड बनाए हैं, 3 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, टोटल कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, सो 1 हाइड्रोजन अगेन यहाँ पर अटैच होगा। नेक्स्ट इस कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, सो टोटल कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे? याद रखिए कि 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं कार्बन के, सिर्फ और सिर्फ 2 मोर बॉन्ड्स इसे रिक्वायर्ड है, सो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। नेक्स्ट कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है, अब बताएं कि कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे? टोटल 4 बॉन्ड पूरे करने हैं और 1 बॉन्ड कार्बन ने बनाया है, सो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे तभी हमारे पास कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे। सो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने इजिली ड्रॉ किया स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर 3-hexene।